ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे ललितपुर की, जहां पर्यटन विभाग द्वारा किला परिसर में करवाए जा रहे निर्माण कार्य में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। आगे बात होगी सहारनपुर की, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। साथ ही आगे चर्चा होगी उन्नाव की, जहां बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को बांटे पंखे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा कि विधानसभा लगती है, इसमें जनता का पैसा लगता है और इस तरीके से विधानसभा में हंगामा करना अच्छी बात नहीं। कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे हों तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। आइए जानते हैं मंजरी जैन ने आगे और क्या कुछ कहा। देखिए, जो भी घटनाएं घटित हुई है उनके ऊपर सरकार जांच करा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कर रही है। और देखिए, जो विधानसभा जो है वो जनता के काम के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और इसमें जनता का पैसा, जब भी विधानसभा आयोजित होती है तो जनता का पैसा लगता है, और जनता की कार्रवाई को बाधित करना, स्थगित करना ये अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस जिस नकारात्मकता के साथ काम कर रही है ये जनता के लिए और इस प्रदेश के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने हमेशा आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की है, हमेशा नकारात्मकता के भाव के साथ ये काम करते हैं। इनकी जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता, इनका तो सिर्फ काम है हंगामा खड़ा करना। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां कस्बा मड़ावरा में पर्यटन विभाग द्वारा किला परिसर में करवाए जा रहे निर्माण कार्य में मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। वहीं मानक विहीन मटेरियल के साथ ही पिलिंद पुराव में भी की जा रही है अनियमितता। बता दें कि एक तरफ पर्यटन विभाग द्वारा कस्बे की ऐतिहासिक धरोहर प्राचीन किले को पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छ व घूमने लायक बनाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके लिए शासन स्तर से भारी भरकम बजट भी जारी हो चुका है। वहीं पर्यटन सुविधाओं हेतु ठेकेदार के माध्यम से करवाए जा रहे निर्माण कार्य में भारी मनमानी की जा रही है। सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु उपयोग की जा रही मानक विहीन सामग्री के साथ ही पुराव के लिए कचड़े का एवं किले के ही कुछ भागों को तोड़कर मनमानी करते हुए पुराव में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि निर्माण कार्य का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। कस्बे की जनता निर्माण कार्य की जाँच की मांग कर रही है। मड़ावरा से सीनियर संवाददाता राकेश वैद्य की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां सहारनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में बदहाल हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों को खुद खींचनी पड़ रही है व्हीलचेयर और स्ट्रेचर। कुछ मरीजों को पीछे कमर पर बैठा कर घूम रहे हैं उनके तीमारदार, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। व्हीलचेयर तक नहीं मिल पा रही है, मेडिकल कॉलेज में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर को खींचने के लिए स्टाफ तक नहीं मौजूद है। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर लेने के लिए तीमारदारों को आधार कार्ड या 500 रुपये बतौर जमानत जमा करना पड़ता है। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर को मरीजों के तीमारदार खुद ही खींचते दिखाई पड़ते हैं। और तो और, राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों की महिला तीमारदार भी खुद खींचती हैं व्हीलचेयर और स्ट्रेचर। अगर किसी मरीज को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर ले जाना हो तो खुद ही व्हीलचेयर और स्ट्रेचर कर खींच कर ले जाते हैं तीमारदार। इस ओर मेडिकल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां गर्मी के सितम से लोग काफी परेशान हैं, दिन पर दिन पारा बढ़ता पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने एक सराहनीय पहल करते हुए, बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को पंखे बांटे। इसके साथ ही विधायक ने पंखे बांटने के साथ ही उन्हें कनेक्शन भी दिलवाया। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने उन्नाव सदर कोतवाली के पास बंजारे जो कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं को टेबल फैन दिए। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि कुछ परिवार हैं जिनके घरों में ना तो बिजली कनेक्शन है और ना ही पंखे हैं। ऐसे में उन परिवारों को बिजली का कनेक्शन दिलवाया और उन्हें पंखे दिए। आइए जानते हैं इस विषय में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने आगे और क्या कुछ कहा। बिमला, आज आपको पंकज गुप्ता विधायक जी ने पंखा दिया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा भी लग रहा है, लाइट भी लगाई हमारे पंकज गुप्ता ने कमल पे, लाइट भी लगी है, पंखा भी चल रहा है। 50-60 साल से अब लाइटें हम लोग उनको मिली है और हम लोग बिल्कुल आजाद हो गए हैं। अच्छा, पहले लाइट थी या क्या? नहीं थी लाइट, 50-60 से नहीं थी।
देखिए, गर्मी की भीषण विभीषिका चल रही है और जगह जगह से जानकारी मिल रही है कि जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे क्षेत्र में भी ये तमाम गरीब लोग सड़क किनारे रह रहे हैं और इनके पास न बिजली का कनेक्शन न विद्युत उपकरण जिसके माध्यम से गर्मी की व्यवस्था से किसी प्रकार से संघर्ष कर सके। तो यह विषय हमारे पास तमाम लोगों के माध्यम से आया था और आज हमने जितने भी डेरे यहाँ पर हैं सभी को जन सहयोग से अपनी तरफ से एक एक पंखा और कनेक्शन देकर कम से कम इस गर्मी में राहत इनको मिल सके, इस दृष्टि से काम करने का प्रयत्न किया है। ईश्वर की कृपा से हम सब इस योग्य हो सके कि जनता की सेवा कर सके, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग जनसेवक के रूप में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और आप ही सबके ऋण और आप ही सबके कारण हम सब इस योग्य हो सकते हैं कि इन लोगों की सेवा कर सके। तो इस दृष्टि से नर सेवा नारायण सेवा को मानते हुए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और सब लोग मिलकर आम जनमानस की बात इन सबकी भी सेवा करने का काम कर रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है जहाँ संगीतमय श्री मद भागवत कथा में कथाव्यास पंडित सुखदेव जी महाराज मैनखेड़ी इथाम वालों ने बताया कि भगवान का भजन जब समय मिले तो कर लेना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और व्यास जी महाराज ने ध्रुव चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपमान में कहीं ना कहीं सम्मान छिपा होता है। ध्रुव जी की छोटी माता स्वरुचि ने अपमान किया तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। व्यास जी महाराज ने अजामिल पंडित की कथा पर प्रकाश डाला और कहा कि गलत संगत का असर गलत ही होता है। अजामिल पंडित एक गड़िका नाम की वेश्या पर मोहित हो गया और अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। पंडित अजामिल डाकू अजामिल कहलाने लगा। एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ। गड़िका के यहाँ जो बेटा हुआ, संतों अजामिल से कहा कि बेटे का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा ठीक है। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। अजामिल का उद्धार हो गया। जय श्री राधे। कथा स्थल ग्राम दुखावरी तहसील पठारी। कथा समय 7 बजे रात्रि 11 बजे तक। भागवत कथा परीक्षित श्रीमती खुशबू उदय सिंह ठाकुर गोलू मौजूद रहे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता शेष नारायण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।